बागेश्वर धाम में छतरपुर के पास। अच्छा अच्छा, वहाँ क्या हुआ? वहाँ हमने इनको दिखाया, विपरीत बाधा बताई गई और हमने 14 पीसी की और मंगलवार का पूरा दिन का एक दिन का भंडारा करवाया। अच्छा, यो पंडित वो भैया महाराज जी उनके पास एक जो रहते तो महाराज जी के कहने पे लगा। हाँ, महाराज जी कहने पे। क्या महाराज जी नहीं कहते? महाराज जी कह रहे थे चबीता महाराज को छिवा, उसको गौर कारण छिवा, मतलब गरम कर करके गरम, बिल्कुल लाल थे महाराज जी, फोड़ा आ गए थे बड़े बड़े। एक महीने तक हमने इलाज करवाया इसका। सावाना जो जिनका नाम अर्चना देवी से तनाव बना है, और सुरेश की पुत्री अर्चना है कोई आपका है क्या भैया? ऐसा कोई है क्या? अच्छा, आ जाओ जल्दी, आ जाओ, बोल तो दिया करो कि हाँ, हाथ उठा दिया करे, जल्दी आइए। आपका भी है, जल्दी जल्दी आओ, दौड़ के आओ भैया। मैं नंबर लौटा रहा हूं, यदि ऐसे लेट करेंगे तो बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा, हम भी इंसान है। जल्दी आइए, वहां से वहां से वहां से वहां से। बोलिए पंडोगढ़ सरकार की। हाथ उठा के जयकार तो बोल दीजिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, पंडोगढ़ सरकार की। बोले परम पुष्पा सदगुरु दरबार श्री आतिवान महाराज की। पास में आइए और पास में आओ, पढ़ी लिखी हो तुम, पढ़े लिखे हो, यहां बैठो, पास में बैठो, मैं बताओ। हाँ, कहां से आई आप? खरगापुर। ऐसे बोलो, खरगापुर। खरगापुर, खरगापुर कहां पड़ता है? आप तो मेरे पास कमरे में भी आई थी। हाँ, हमसे मिली थी अभी। हाँ, मिली थी। हाँ, खरगापुर टीकमगढ़ से आई, हमने आपको कमरे में देखा था। क्या आप सब संतुष्ट नहीं है? है, है? है। अच्छा, बाधा है, अब संतुष्ट नहीं हो तुम? मैं से बोलो, क्या बोले? बोलो, अभी संतुष्ट नहीं महाराज जी। हाँ, इनके ऊपर बाधा है, वो आप देख लीजिए। देख लेते, वेलकम। हम बहुत परेशान रहते महाराज जी। आपने कहाँ कहाँ दिखाया अभी तक? काफी जगह हुआ महाराज जी। हम कहाँ कहाँ? दिल्ली, बम्बई, मेहंदीपुर भी गए। मेहंदीपुर में क्या बताया था? मैं कुछ नहीं बताया था जी। और कहाँ दिखाया? बाड़ा पदमपुरा है भाई। कहाँ है ये? राजस्थान में है जी। वहाँ क्या बताया? वहाँ 48 दिन रहे हम। 48 दिन? हाँ, 40 दिन का 40 होता वहाँ। हाँ, 8 दिन और रहे हम। अच्छा, उसके बाद हम बागेश्वर गए। कहाँ पे? बागेश्वर धाम है छतरपुर के पास। अच्छा अच्छा, वहाँ क्या हुआ? वहाँ हमने इनको दिखाया, विपरीत बाधा बताई गई और हमने 14 पीसी की और मंगलवार का पूरा दिन का एक दिन का भंडारा करवाया। अच्छा, करीब 50,000 रुपए का। वो तो नहीं करवाते हैं, वो तो कुछ लेते नहीं है। तो नहीं, लिखा था हमारे पर्चे पे। क्या लिखा था? कि मंगलवार का भंडारा आप करवा पूरे दिन का, पर्चे पे लिखा था। हाँ, बोला था। अच्छा, फिर और हमने करवाया महाराज जी, बोला ठीक हो गए। इन्होंने लिखा था कि ऐसे लिखा था करवा देना। नहीं, 11 पीसी के बाद बोले, हम गए थे उनसे मिलने, उन्होंने कहा था कि आराम है, हमने महाराज जी कुछ परसेंट लग रहा है, बाकी भी ऐसे आराम नहीं। बोले आराम हो जाएगा, अब मंगलवार का भंडारा करवा दो। अच्छा, फिर और भंडारा कराने के बाद नहीं गए? भंडारा कराने के बाद फिर गए हम। फिर के हाथों को जला दिया गया। जला दे? हाथ दिखाओ। क्यों जला दे? मत गरम चमेटा रख दी गई हाथों पे। ओ तेरी, ऐसे जला? हाँ, देखो भैया, देखो चमेटा को लगाई, गरम चमेटा, वही पूरे शरीर में देखो चमेटे चल गए। हम एक दो महीने तक किसने लगाए थे? राजस्थान में या? नहीं नहीं, यहाँ वहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो, बागेश्वर में, बागेश्वर छतरपुर के। कितने जलाए थे ये? यो पंडित वो भैया जो महाराज जी उनके पास एक जो रहते तो महाराज जी के कहने पे लगा। हाँ, महाराज जी कहने पे। क्या महाराज जी नहीं कहते? महाराज जी कह रहे थे चबीता मारो उसको, छिवा उसको, गौर कारण छिवा, मतलब गरम कर करके गरम, बिल्कुल लाल थे महाराज जी, फोड़ आ गए थे बड़े बड़े। एक महीने तक हमने इलाज करवाया इसका। ओ, क्या है मैं बताऊं? बुरा मत मानना, मैंने एक बार बोला वीडियो में कि जहां पे भूत होता है चिकता नहीं है। कई लोग प्रतिज्ञा करने के बाहर के फेंक रहा है, कई पावन ने फेंक, देख रहा हो कि महाराज जी कह रहा जो अच्छा फॉर्मूला मिल गो। अरे
नहीं चिखाना है तो इतने चिखा देते या खत्म, ऐसे चिखाए से भूत नहीं भगा। और ये तो गलत है, आपको बोलना चाहिए था कि ऐसे लड़ा जाता है, आपने बोला नहीं। आज फिर उसके बाद हम एक दिन गए थे, सो महाराज जी से मिलने नहीं दिया गया, गेट के अंदर नहीं जान दिया फिर हमें उसके बाद से। और इसको प्रीत बाधा बराबर है, पूरी रात हमारे आप दीदी एक ही जगह जलाया कि और भी जगह जलाया? दो जगह थी, तीन जगह। हाँ तो दिखाओ दिखाओ भैया, मैं देख तो लूं। सभी दर्शक गिरे कि भाई ये चमेटा चिखाने वाली कौन सी विद्या है, ले हम तुम्हें चिखा दे, तुम छह छह फुट उड़ लो। अरे तुम तो चमेटा डोंगिया ही डाल रहे भाई नोचा को, तुम्हें कोई बाबा नहीं बचाए, पंडोकर सरकार हो या हनुमान जी बागेश्वर या मेदीपुर, गलत करने वाले को तो ईश्वर दंड देता है। भूत को जलाओ तो जाने, आदमी क्या जाना है, आदमी को वो जलाते हैं जिनको डाउट हो कि जो गर्रा नहीं है गर्रात है। बताओ पंडित जी महाराज गलत कह रहे क्या दुबे जी, दादाजी ये ऐसे जलाया जाता उस बेटी का कम से कम दो इंच तो कम से कम जली है सुकड़ी का। छोटी सी बच्ची है, क्या कह रहे बेटा, छोटी बच्ची है दो साल की, खाना पीना सब ऐसे ही में बनाया, पर ये सब देख रहे बेटा आप लोग, ऐसे ऐसे ज्यादा भूख होगी। लेकिन आप लोगों को क्या करना, अपनी अपनी पद्धति है। भूत है तो चुटकी बजा के भगे गई, यहाँ अब किसी ताकत नहीं, किसी माइक लाल भूत में तुम्हारा भूत खेला है। सुनो एक बार मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारा घर मकान आज से कील कर रहा हूं, और एक वर्ष तक मूड नहीं पर आएगा, आज ही से इसी क्षण से। बस इनको गुस्सा जरूर आती है तो थोड़ा प्यार दिखा दिया करें, और जो भी काम करें थोड़ा पति से पूछ के करें, पत्नी से पूछ के करें। और तुमको भी कोई बात कहना ना तो मुझे लाइन पे फोन कर दिया करो, मन में मैं तुम्हारे पति को राइट में कर दूंगा। लो पकड़ो उसको बेटा, पकड़ो बेटा हाथ से, बोलो सरकार, सरकार हमारी वादा खत्म करें। जाओ आज के बाद मुंह नहीं मटक, जाओ एक वर्ष तक तुम भी यही हो और हम भी यही है, बस बढ़िया टाइम मस्ती से इनको ले जाओ डॉक्टर के पास, सो चेक करा दियो, मस्त जियो आनंद लो, तुम्हारे घर में भूत वादा नहीं रहे, ठीक है, चलो जाओ। हनुमान पंचखाड़े में जाना, पुष्पावती में जाना, जो कछु हुआ है कल तक हुआ है 3 बजे तक, तो सब उतर जाए। पुष्पावती नीच चीजें हैं, पुष्पावती में बड़ी चीजें हैं, पुष्पावती में और खराब है भाई में, यदि माइंड भी खराब है तो पुष्पावती में खत्म हो जाएगा और थोड़ी सी दवा में लाभ मिल जाएगा, आशीर्वाद है, जाओ। ठीक है बेटा, तुम जैन धर्म से हो ना? हाँ, जैन धर्म से हो ना, आप तो अपना पाठ करा करो। कौन सा? मैं 40 पंडो का सका 40 और पार्सनाथ 40 दोनों करो, लाभ हो जाए, जाओ। लड़का हो जाए जब एक तो घरे हुए तो क्रिया कर और बढ़िया चक बच्चा लो मस्त, और डॉक्टर को दिखाओ जो सारा करा है, डॉक्टर दिखाओ बच्चा हुआ है, ठीक है ना, जाओ। और आप कहू नहीं जाने, कहू ना हो तो पास कहू नहीं, तुम्हें कछु भी सर उदर दो छिको आवे तो जय आतिमान महाराज, बस लाभ हो जाएगा।